एडी गुरेरो झूठ बोलने, बेईमानी करने और चोरी करने के लिए इतना ज्यादा मशहूर थे कि उनका सबसे मशहूर डायलॉग भी ये था। ज्यादातर मौकों पर एडी पकड़े भी नहीं जाते थे, लेकिन कई बार रेफरी ने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ा भी है, जैसा कि जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन रे मिस्टीरियो से लड़ रहे थे तब देखने को मिला। 2004 के आखिरी स्मैकडाउन एपिसोड में एडी ने बुकर टी के साथ टीम बनाई और टैग टीम चैंपियन रॉब वैन डैम और रे मिस्टीरियो को चैलेंज किया। बुकर ने गलती से लात मारकर रेफरी को बेहोश कर दिया। जब कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था तब लैटिनो हीट रिंग से बाहर गए और एक टैग टीम टाइटल बेल्ट लाकर रे के ऊपर रख दिया और ऐसा दिखाया जैसे रे मिस्टीरियो ने उन्हें उस बेल्ट से मारा है, लेकिन एडी थोड़ा ज्यादा ही मजे लेने लगे और रेफरी ने उन्हें नाटक करते हुए पकड़ लिया। एडी गुरेरो ने रेफरी से बहस करना शुरू कर दिया और रे ने इस मौके का फायदा उठाकर वो मैच जीत लिया। इसके अगले हफ्ते में एडी ने रे के खिलाफ एक 1-on-1 मैच में इसका बदला लेने का फैसला किया। मैच के दौरान रेफरी फिर से गलती से चोट खाकर बेहोश हो गया और गुरेरो को इसमें एक चालाकी करने का मौका दिखा। उन्होंने मिस्टीरियो की टैग टीम टाइटल बेल्ट उठाकर रे को दे दी, लेकिन रेफरी के उठने से पहले मिस्टीरियो खुद उठ गए और जल्दी से वो बेल्ट एडी को दे दी। लैटिनो हीट को बेल्ट खुद से दूर करने का समय नहीं मिला, इसलिए वो बेल्ट को छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुरेरो की बदकिस्मती से रेफरी को ये समझ आ गया कि वहाँ क्या चल रहा है और रेफरी ने बेल्ट छीन ली। इसने एक बार फिर से मिस्टीरियो को मौका दे दिया और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर लैटिनो हीट के खिलाफ एक और जीत दर्ज कर ली। एडी गुरेरो का सामना करते समय आपको जीतने के लिए सर के पीछे भी आंख होनी जरूरी है। बुकर टी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने एडी को हराने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। 2005 की शुरुआत में बुकर और एडी का सामना एक टूर्नामेंट में हुआ जिसमें WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर चुना जाना था। हमेशा की तरह रेफरी फिर से चोट खाकर गिर गया और इस अफरा तफरी के बीच एडी ने बुकर को चकमा देने के लिए घुटने में चोट लगने का नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन बुकर टी को पता था कि उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर मैच दिखाया जा रहा है। बुकर ने उस स्क्रीन पर देख लिया कि एडी उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं और इसकी मदद से बुकर ने लैटिनो हीट को चौंका दिया और उन्हें पिन कर दिया। टैग टीम मैच के दौरान WWE रिंग के कोने में एक छोटी सी रस्सी लगा के रखता है जिसे टैग मिलने से पहले दूसरे रेसलर को पकड़ के रखना पड़ता है। बेशक ये किसी भी रेसलर के लिए टैग करना मुश्किल बना देता है, लेकिन एडी गुरेरो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। 2003 में एडी और टजीरी WWE टैग टीम चैंपियन थे और उनका सामना हो रहा था शेल्टन बेंजामिन और चार्ली हास से। शेल्टन और हास की टीम ने टजीरी को उनके टैग टीम पार्टनर से दूर कर दिया, जिसके कारण एडी चिढ़ गए। लैटिनो हीट टैग पाने के लिए पूरी जान लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस रस्सी को ढीला करके खिसका दिया ताकि टजीरी को टैग करने में आसानी हो। बदकिस्मती से रेफरी ने एडी को ऐसा करते हुए देख लिया और उस रस्सी को फिर से रिंग के कोने में पहुंचा दिया। इससे भी बुरा ये हुआ कि एडी और टजीरी वो मैच और अपना टाइटल दोनों हार गए। लगभग 1.5 साल बाद लैटिनो हीट और बुकर टी एक टीम में थे और उन्होंने यही ट्रिक फिर से करने का फैसला किया। बैशम ब्रदर्स के खिलाफ गुरेरो टैग पाना चाहते थे और एक बार फिर से टैग रोप को खिसका कर बुकर के पास ले गए, लेकिन शायद एडी ने पहली बार की गलती से कुछ नहीं सीखा था क्योंकि रेफरी ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और लैटिनो हीट को मजबूरी में फिर से कोने में खड़ा होना पड़ा। आखिरकार एडी गुरेरो को सही तरह से टैग करने का मौका मिला, लेकिन नियम तोड़ने से उनका मन अभी भी नहीं भरा था। रिंग साइड खड़े ऑरलैंडो जॉर्डन ने मैच में दखल देने का फैसला किया। इस अफरा तफरी में टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट बैशम टीम के हाथ लग गई, लेकिन जब उन्होंने एडी को मारने की कोशिश की तो एडी ने काउंटर करते हुए बैशम को ही बेल्ट से मारकर गिरा दिया, लेकिन बदकिस्मती से रेफरी ने एडी को बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए देख लिया और गुरेरो और बुकर टी दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया।